गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पी जी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है साथियों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था, अध्ययन किया था बी ए थर्ड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य निबंध। तो सेकेंड पेपर में द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध दिया हुआ है। निबंध में साथियों क्रोध नाम का निबंध, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप देखेंगे हमने इसका जो मनोविकार संबंधी क्रोध एक मनोविकार है साथियों, तो मनोविकार संबंधी पहला क्वेश्चन हमने अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में, जो आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो, दो की तरफ देखते हैं साथियों। दूसरे प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, तो आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर दो, तत्वों के आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्ल के, पंडित कह दो या आचार्य कह दो, शुक्ल के निबंध क्रोध की समीक्षा की थी। निबंध क्रोध नाम का भी निबंध है ना, क्रोध की समीक्षा की थी। साथियों इसमें क्रोध नाम के निबंध की समीक्षा पूछी गई है सेकंड क्वेश्चन में आपको। तो आगे देखते हैं उत्तर नंबर दो, तो इसमें देखेंगे साथियों सबसे पहले मनोविकार विषय, ये सारे निबंध जो है ना चिंतामणि भाग एक में संकलित है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। तो क्रोध शीर्षक का जो निबंध है शुक्ल जी का, ये एक प्रौढ़ एवं श्रेष्ठ मनोविकारात्मक निबंध है साथियों। तो तात्विक दृष्टि से इस निबंध की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। तात्विक दृष्टि से तत्वों के आधार पर पूछा है, तो साथियों देखेंगे इसमें तत्व कौन से बताए गए हैं। तात्विक दृष्टि से पूछिए समीक्षा आपको, तत्वों में पॉइंट नंबर एक बुद्धि तत्व, पॉइंट नंबर दो अनुभूति तत्व, पॉइंट नंबर तीन कल्पना तत्व, पॉइंट नंबर चार अहम तत्व, पॉइंट नंबर पांच शैली तत्व,
तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पहले क्वेश्चन में देख लिया है, समझ लिया है कि क्रोध एक बहुत ही भयंकर मनोविकार है जो किसी के प्रति क्रोध करना एक मानसिक तौर पर ये विकार जो है ना दोनों पक्षों को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, चाहे क्रोध करने वाला हो या जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वो पक्ष हो, दोनों पक्षों का अधिकतर इसमें नुकसान ही होता है। जबकि क्रोध दो रूपों में किया जाता है, या तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या फिर सामाजिक जनकल्याण के लिए, दो तरह से क्रोध करता है व्यक्ति। और उसमें देखा जा सकता है साथियों कि जनकल्याण की भावना से कमी किया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो प्रतिकार की भावना से अधिकतर क्रोध किया जाता है, बदले की भावना से। तो आगे हम समझेंगे इनको पॉइंटों के आधार पर, तत्वों के आधार पर कि किस प्रकार मनोविकार संबंधी क्रोध नामक जो निबंध है आपका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको तत्वों के आधार पर किस प्रकार से विवेचन किया है। साथियों, आगे हम देखेंगे इसको। आगे इनका जो है ना, सबसे पहले हम समझेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य में निबंध विधा का अपना विशिष्ट महत्व है। साथियों, हिंदी निबंध लेखकों की परंपरा में पंडित रामचंद्र शुक्ल का अद्वितीय स्थान रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है इसके बारे में, तो हिंदी निबंध का प्रारंभिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है। तो भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी युग निबंध का विकास काल माना जाता है। द्विवेदी युग के पश्चात शुक्ल युग माना जाता है, शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदी निबंध को प्रौढ़ता प्राप्त हुई है। शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी अनेक निबंधों की रचना की है साथियों, जैसे भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, इस तरह के बहुत सारे निबंधों की इन्होंने रचना की है। साथियों, तो हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में फर्स्ट क्वेश्चन में मनोविकार विषय के सारे निबंध जो चिंतामणि भाग एक में संकलित हैं उन पर चर्चा की कर ली है। तो क्रोध शीर्षक शुक्ल जी का एक कोण एवं श्रेष्ठ मनोविकारात्मक निबंध है। तो हम चलते हैं साथियों इसकी तात्विक दृष्टि से समीक्षा करने। तो सबसे पहला तात्विक दृष्टि से निबंध की समीक्षा करनी है, तो पहला पॉइंट है आपका बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व में साथियों रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के अंतर्गत क्या रचना की है, देखते हैं क्या तथ्य डाला है। यह निर्विवाद तथ्य है साथियों, बुद्धि तत्व में बताया गया है, यह निर्विवाद तथ्य है कि शुक्ल जी के लगभग सभी निबंध विचार प्रधान हैं। विचारात्मक रचनाओं में बुद्धि तत्व अपनी प्रौढ़ता, गहनता एवं उत्कृष्टता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तो बुद्धि तत्व के प्राधान्य के कारण साथियों शुक्ल जी के निबंधों में जब विचारों का स्वरूप उपस्थित होता है तो तब उसकी आंतरिक एवं बाहरी भाव व्यंजना के अंतर्गत एक अद्भुत सामंजस्य उपस्थित हो जाता है। उनके विचारों में एक ऐसी क्रमबद्धता होती है साथियों कि विचारों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। उनकी विचार श्रेणी में से यदि एक भी विचार निकाल दें तो रचना में खालीपन सा प्रतीत होता है साथियों। तो रामचंद्र शुक्ल के क्रोध शीर्षक निबंध में सर्वप्रथम उन्होंने क्रोध की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति, क्रोध की आवश्यकता, क्रोध का वेग, क्रोध के विभिन्न रूपों पर, क्रोध के निरोध के उपाय, क्रोध के समानांतरण अन्य मनोविकार अथवा मनोभाव कौन कौन से, करुणा, दया, क्षमा आदि का आविर्भाव, क्रोध का परिणाम आदि, इन सभी पर चर्चा की गई है साथियों इस निबंध में। तो बुद्धि तत्वपूर्ण गरिमा एवं महिमा के साथ प्रतिष्ठित होकर उनके चिंतन एवं उत्कृष्टता को
व्यक्त कर रहा है साथियों, तथा बुद्धि तत्व के कारण ही शुक्ल जी के निबंध विचार जगत की अनुपम एवं अद्भुत निधि कहलाते हैं। साथियों, तो आप समझ गए होंगे कि बुद्धि तत्व शुक्ल जी का कितना प्रखर है, कितना तेज है, आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 2 पे, अनुभूति तत्व। महसूस हो जाना या अनुभूति हो जाना या अनुभव हो जाना, उसी को हम कहते हैं अनुभूति तत्व। तो साथियों, निबंध में जो अनुभूति तत्व है दूसरे नंबर का, इसमें शुक्ल जी ने क्या चर्चा की है देखते हैं। शुक्ल जी के निबंध में अनुभूति तत्व भी अपनी प्रखरता और पूर्णता के साथ विद्यमान है साथियों, और उसी प्रकार से अनुभूति तत्व भी क्रोध शीर्षक निबंध के साथ ही उनके अन्य सभी मनोविकारात्मक निबंध में उनकी प्रौढ़ एवं प्रांजल अनुभूति के परिचायक हैं वो, क्योंकि इनमें शुक्ल जी की वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुभूति अत्यंत कुशलता के साथ व्यक्त हुई है साथियों। क्रोध के विवेचन में उनकी तीव्र अनुभूति पदे पदे परिलक्षित होती है, यानी पग पग पर परिलक्षित होती है साथियों। जैसे शिशु अपनी माँ की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। आपने देखा होगा साथियों, छोटा बच्चा अपनी माँ की परछाई को पहचानता है, उसे ये पता नहीं होता है कि ये मेरी माँ है, उसे तो सिर्फ इतना पता होता है ये परछाई जो घूम रही है इसी से ही हमें दूध मिलेगा पीने को, बस इतना सा उसको बोध हो जाता है अबोध शिशु को। तो वो उसी आधार पे जैसे ही उस परछाई को देखता है और जब उसको भूख लगती है तो वो अपने रोने में थोड़ा सा क्रोध मिश्रित कर देता है, ठंडना के रोना शुरू कर देता है ताकि माँ जल्दी से सुने और फटाफट उसको दूध पान करा दे। तो इसी चीज को लेकर के देखते हैं बच्चों। तो उक्त पूरे निबंध में शुक्ल जी का अनुभूति तत्व कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों की संरचना करके इस निबंध को साथियों बहुत ही अनुभूति के साथ रचित किया है। तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट में साथियों इनकी अनुभूति तत्व को बहुत ही अधिक तरीके से उभारा गया है, इस तत्व को इस निबंध के अंदर कूट कूट कर भरा गया है। तो आगे आप देखेंगे साथियों पॉइंट नंबर 3, कल्पना तत्व। इस कल्पना तत्व की बात होती है, कल्पना क्या होती है साथियों, सोच होती है, एक चीज पर कई तरह से सोचना, एक चीज के कई अर्थ निकालना, ये बुद्धि पर ही निर्भर करता है, कभी हमेशा कल्पनाओं पर ही कविता लिखता है। तो कल्पना जितनी ऊंची होगी, जितनी स्वच्छ होगी, उतनी ही कविता में पढ़ने में या सुनने में रस आएगा साथियों। तो उसी कल्पना की बात हो रही है। तो यहाँ कल्पना तत्व जो है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किस प्रकार से निबंध में अपना भाव प्रकट कर रहा है साथियों देखेंगे। शुक्ल जी ने कल्पना को भावना ही माना है, उनके स्वयं के विचार हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। और साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं साथियों, और आजकल के लोग कल्पना। तो भावना और कल्पना एक ही बात होती है बच्चों। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना का या कल्पना अपेक्षित होती है। इस प्रकार से शुक्ल जी के अनुसार कल्पना तत्व उन वस्तुओं, भावी व्यापारों या कार्यों की मूर्ति मन में लाकर
हमें उनके सामीप्य का अनुभव कराता है। साथियों, जो हमसे दूर होती हैं, इस दृष्टिकोण से हम देखें तो शुक्ल जी ने अपने निबंधों में ऐसे अनेक पात्रों, पदार्थों, भावों, व्यापारों आदि का निरूपण किया हो जो प्रायः हमसे दूर होते हैं, परंतु उन्होंने उनके बिंब प्रस्तुत करके हमें उनका सामीप्य लाभ पहुंचाया है। साथियों, क्रोध शीर्षक निबंध में क्रोध का निरूपण करते हुए उन्होंने चाणक्य ब्राह्मण का उदाहरण देकर क्रोध को स्पष्ट किया है। साथियों, चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा, साथियों चाणक्य नीति, तो उनकी नीतियां बहुत खतरनाक है। साथियों, उन्हीं चाणक्य की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण थे। तो चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था, मार्ग में कुछ उनके कुश होते हैं ना, कुश जानते हो ना, जो खरपतवार बड़ा बड़ा होता है उसको कुश कहते हैं। तो मार्ग में जो कुश है ना, वो उनके पैर में चुभ जाते हैं। वह चट मट्ठा ले और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। मट्ठा समझते हो साथियों, छाछ जिसको बोलते हो। तो छाछ से क्या होता है, पौधों की अगर जड़ों में कई पौधे ऐसे हैं, जैसे कुसों उसका जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो जो झुंड होता है उसकी जड़ में यदि छाछ डाल दिया जाए तो वो जड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी चीज़ को लेकर के अगर उसको उस कोई भी विकार है या जो भी है, उस विकार को जड़ से अगर खत्म करना है तो उसकी जड़ पे ही काम करना पड़ेगा और तुरंत काम करना पड़ेगा, तब ही जाके वो विकार खत्म हो पाएगा। तो उन्होंने ये साबित कर दिया है अपने विचारों से कि तुरंत वो मट्ठा लेकर गए और वहाँ जाके कुदाली से उसको खोद खोद कर उखाड़ उखाड़ कर फेंका और जड़ों में मट्ठा डाल दिया। तो ऐसे ही एक और उदाहरण दृष्टव्य है। साथियों, एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए थे। अब यह ब्राह्मणों की बात क्यों आती है साथियों, क्या ब्राह्मण ही ऐसा करते थे, और लोग नहीं कर पाते थे? लेकिन यहाँ ब्राह्मण दिया है तो ब्राह्मण ही हो सकता है साथियों, देखेंगे। तो जब आग न जली तब उस पर कोप करके यानी क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल के नारे हो गए, यानी जब वो नहीं जला तो उसमें पानी डाल दिया। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों में विविध पदार्थों, भावों, व्यापारों के चित्र प्रस्तुत करके कल्पना तत्व के समावेश में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। साथियों, तो अब हम चलते हैं कल्पना तत्व के बाद में पॉइंट नंबर 4, अहम तत्व। अहम तत्व में देखेंगे साथियों कि आगे निबंधकार ने अहम तत्व में, निबंधकार कौन है हमारे, निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अहम तत्व में देखेंगे साथियों, प्रायः सभी निबंधकार अपनी रचना में व्यक्तित्व अथवा अपने व्यक्तित्व का समावेश करने के लिए अहम तत्व का आश्रय लेते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भी उनका व्यक्तित्व पर्याप्त मात्रा में समाविष्ट रहता है। साथियों, उनके गंभीर व्यक्तित्व के कारण ही उनके निबंधों में गहनता, गंभीरता, गुरुता एवं महत्ता दिखाई देती है। क्रोध शीर्षक निबंध में भी उनके व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, जैसे जिससे हमें दुख पहुंचता है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। साथियों, बैर का रूप ले लेता है क्रोध, ज़्यादा दिनों तक अगर मन में रखोगे तो कोई सा भी क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है। साथियों, इस प्रकार से शुक्ल जी के निबंधों में अहम तत्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है जो उनके गंभीर व्यक्तित्व का द्योतक है। साथियों, तो यहाँ आ गई अहम की बात, कंप्लीट हो गई है। साथियों, हमने बता दिया है आपको कि शुक्ल जी ने किस प्रकार से अहम तत्व को दर्शाया है इसमें। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5, शैली तत्व की ओर। शैली तत्व में
कौन सी शैली को अपनाया है साथियों, तो हम देखेंगे आगे शैली तत्व में क्या है। अपने निबंधों को आकर्षक और रोचक, मनोरंजक एवं प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए शैली तत्व का भी अत्यंत प्रौढ़ता एवं लालित्य के साथ शुक्ल जी ने प्रयोग किया है साथियों। तो अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही उनकी इनकी भाषा में अलंकार, उक्ति वैचित्र एवं व्यंग का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है साथियों। क्रोध निबंध में उनके उक्ति वैचित्र का उदाहरण दृष्टव्य है, कौन सा? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इस प्रकार से शुक्ल जी शैली तत्व से अपने निबंधों में एक नई जान डाल देते हैं साथियों। अपनी रचना को उक्ति वैचित्र से चित्ताकर्षक बनाने का उनका अपना अद्भुत तरीका है साथियों। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो साथियों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत शॉर्ट और समझने में आसान क्वेश्चन है। तो देखेंगे, निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कि शुक्ल जी के क्रोध शीर्षक निबंध में समालोचकों द्वारा स्थापित सभी तत्वों का तत्व अभी आपको बता दिए गए हैं, जैसे कि बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना तत्व, अहम तत्व, शैली तत्व, इन्हीं तत्वों की बात हो रही है साथियों। तो इन तत्वों का सम्यक रूप से समावेश तथा पोषण हुआ है, निबंध पूर्णतया श्रेष्ठ है और आकर्षक है। अनुभूति के आधार पर इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से शुक्ल जी के विचारों को समझा गया है साथियों। तो अब यहीं पर ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है बच्चों, आगे हम चलते हैं।